बहुत बढ़ गई जी, गिरी तो 1050 हो गई, जो 650-600 रुपये थी, 400-450 बढ़ गई, और काजू 50-60 रुपये किलो बढ़ गया, और बिक्री ख़त्म हो गई बिल्कुल, सवेर के वेले बैठे हैं अभी, 2000 रुपये बटे सारे, जो 50000 रुपये 60000 की सेल चाहिए मेरे को, और रोड़ियों में आ रहे हैं बिल्कुल धंधा नहीं है। मुख्य कारण तो जो चेकिंग होगी, लड़ाइयाँ हो रही, उधर से माल नहीं आ रहे, माल के रास्ते बंद हो गए, सारे अफगानिस्तान से आता रहा, ये गुरबंदी गिरी सबसे मंदी थी है, दूसरी गिरी से उसको 150-200 रुपये तेज हो गई, हमारे पास पड़ी थी 5-10 किलो, लोग हमें पता नहीं लगा, लोग ले गए, अब उसका भाव 1000 रुपये है, 900 रुपये। अंजीर तेज हो गई, अंजीर 550-550 थी, जो आज 950 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, 900 लाते हैं, 940 रुपये बिकती है, वो 2-3 सेंट का धंधा है। अंजीर होगी, खुरमानी आती है, बादाम आता है बढ़िया वाला, उसका जो कफ काज की बादाम होता है वो ज़्यादातर लोग वो ही खाते हैं, ग्राहक कम लेता है माल, गिरी के कट्टे के हाथ ही लगाया हमने आज, एक जने को गिरी का भाव बताया, मैं क्या लगेगी, मैं जी होलसेल रेट बेची है, ये मेरी कापी देख लो, मेरा गुरु भाई थे वो 960 में बेची है, हमने 960 उनको बताया, पाइया आधा किलो लेनी थी वो भी छोड़ गए, बोले तो पाइया काजू दे दे 200 रुपये का, आधे आज मरेंगे लोग, मैं तो रोनियों में आ रहा हूँ, हाँ अब सड़क में हम, पहले तो जी यहीं से लेके जाते थे हम 600 रुपये, 550-600 रुपये, अब 1300 रुपये ये बोल रहे हैं, 1200-1300 रुपये बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। जो अफगानिस्तान में हुआ है तालिबान वालों का कब्जा, उसी के कारण ये हुआ है जी, जो भी है, सारा ड्राई फ्रूट जो भी है सभी का रेट बढ़ गया जी। गाँवों में इसकी बहुत दिक्कत आती है जी, ओटू गांव से है जी, जी दुकान है जी मेरी, वहाँ पे छोटी सी दुकान है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है जी, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमको गाड़ी निकालते, आपने तेज कर रखा है, आपने तेज कर रखा है जी, ये दिक्कत बहुत आ रही है जी इस चीज़ की।